तो ऐसा लग रहा है कि मैं यही रहूं। बाय बाय किराना। छानी कैंप में हो रहा है। छानी कैंप? हां भाई छानी। ये सॉरी यहां पे ग्लेशियर में काफी क्या खेल रहे हैं? स्केटिंग होगी पार्टी खेल। तो यहाँ पे एक यात्री गिर गया है घोड़े से, खच्चर फंस गया था। मेरा गोप्रो फोन सब डेड पड़ा हुआ था, चार्ज नहीं था और जो पावर बैंक था ना वो भी खराब पड़ गया है। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का देवभूमि उत्तराखंड में। तो आज हम फर्स्ट टाइम आ रखे हैं केदारनाथ में। तो आज हमें रूम की व्यवस्था नहीं हुई तो हमने टेंट ला रखा था घर से, टेंट के नीचे है आज फर्स्ट टाइम। तो ये रहा हमारा टेंट, आज की रात को हम यहीं गुजारना है। तो देखते हैं ठंड लगती है नहीं लगती है, डर भी लग सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, बहुत अजीब सा जैसा भी आ रहा है बट फिर भी अच्छा अच्छा रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम है। केदार जो लोग आ नहीं सके केदारनाथ, तो हमारे वीडियो के माध्यम से केदारनाथ की यात्रा पूरी देख सकते हैं और केदारनाथ मंदिर भी देख सकते हैं, सब कुछ दर्शन कर सकते हैं। लेट्स वॉच। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम और काफ़ी एक्साइटेड है कि आज मैं अपनी वाइफ के साथ टेंट में नाइट स्टे कर रहा हूँ इन केदारनाथ धाम में। और आज बाबा केदार का पाठ भी खुल चुका है और लाखों श्रद्धालुओं ने आज दर्शन प्राप्त कर लिए भगवान के। और कल सुबह मॉर्निंग में हमने भी भगवान के दर्शन करने के लिए समय सोचा है कि कल सुबह, तो देखते हैं लाइन किस तरीके से और हम कितने बजे उठते हैं वो डिसाइड। और रात में डर जरूर लगेगा क्योंकि टेंट में पहली बार नाइट स्टे वाइफ के साथ हो रहा है और इसे तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो देखते रहिए ये तर अरे ये वाकई दे मीन। तो दोस्तों अभी नाइट को तो टाइम नहीं है कि हम मंदिर के पास जाएं क्योंकि ठंड बहुत हो रही है बाहर पे बारिश की वजह से। तो अभी सो जाते हैं टाइम पे और सुबह बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जल्दी उठना है और आपको भी दर्शन करवाना है। और ये रहे न्यू कपल संतोष एंड अनीता और ये रही तुलसी। आ जा सो जा इधर। अबे आ रहा हूँ। तो उठो उठो उठो। तो दोस्तों हो चुकी है गुड मॉर्निंग और कल रात को ना मस्त नींद आई यहाँ टेंट के अंदर, बट जो अंदर से शायद वास्प टाइप का बनता था उस साइड साइड काफ़ी मतलब पानी हो गया था और इसलिए जो साइड पर संतोष हो गया था ये बोल रहा थोड़ा ठंड लगी बात। क्या हुआ? चलो चलो जल्दी उठो मंदिर भी जाना है। तो गुड मॉर्निंग का व्यू दिखाते हैं आपको श्री केदारनाथ धाम से। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी मस्त और प्यारा सा नज़ारा दिख रहा है। तो चलो अब फटक से लाइन पर चलते हैं और दर्शन के लिए। 4:47 हो चुका है और श्रद्धालुओं की लाइन देख सकते हैं इतनी दूर तक पहुँच चुकी है। तो गुड मॉर्निंग हो चुका है और फ्रेश सुबह के साथ भगवान के दर्शन। का जो वक्त है वो 7 बज चुका है और हम 4:30 बजे से लाइन पे लगे हुए हैं और लाइन देख सकते हैं काफी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और हम अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों 7:30 का वक्त हो चुका है और अभी जाके यहाँ पे मंदिर परिसर में हम पहुँच चुके हैं और कुछ ही क्षणों पश्चात भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स आज भोलेनाथ जी के दर्शन हमें 7:30 बजे प्राप्त हो चुके थे और 4:30 से हम लाइन पर खड़े थे, यानी 3 घंटे लग गए भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और काफी मस्त माहौल और मौसम तो काफी प्यारा बना। दोस्तों मॉर्निंग का काफी प्यारा नज़ारा बना हुआ है, पहाड़ में पूरा बर्फ देख सकते हैं किस तरीके से भरा पड़ा है और श्रद्धालुओं की संख्या देख सकते हैं, हर कोई अपना इंतजार मतलब
भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए इंतजार पर खड़े हैं। तो चलो चलते हैं अब, चला चलो चलो चलो। तो दोस्तों दर्शन प्राप्त करके आप थोड़ा हम रूम की तरफ जा रहे हैं क्योंकि भूख भी लग गई है। जय भोलेनाथ। तो श्रद्धालुओं की भीड़ आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग कतारों में लगे हुए हैं। भीड़ मतलब लोग बहुत ही उत्साहित हैं, 6 महीने बाद बाबा के कपाट खुलने की इंतजार लोग काफी करते रहते हैं और फाइनली कल बाबा केदार का कपाट खुल चुका है। तो दोस्तों आज का जो केदारपुरी का नज़ारा है काफी मस्त है, धूप खिल चुकी है प्यारी सी और ये तैयार हो चुका है गोलू उस्ताद और बिस्किट बिस्किट खिलाओ। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट बिस्किट पूरा केदार नगरी। तो दोस्तों हमारा सामान हो चुका है पैक और तुम्हारे भाई का दोनों मोबाइल फोन हो चुके हैं ऑफ। तो जो हमारा रात का टेंट था वो पूरा फिट हो चुका है बैग में। अरे ये कम्बल कुम्बल तो रख दो नीचे, बटन नहीं धरा ना, बटन देखो तो दोनों फोन डेड पड़े हुए हैं, अब कोई फोन भी नहीं कर सकता मुझे फिलहाल। तो जब चार्ज होगा तभी, और लाइट भी नहीं है केदारपुरी में। तो अब चलते हैं अपने नाइट स्टे वाले स्थान से। चलो कैसा लगा केदारनाथ आके? बहुत अच्छा लगा, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं यही रहूं। बाय बाय केदारनाथ, भगवान ने बुला रखा होगा तो दोबारा आएंगे। यही आने मिली जरूर संतोष जी, माँ प्रसाद। चला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हम केदारनाथ से डाउन हो रहे हैं और मौसम काफ़ी बदल गया है, ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। और ये पूरा कोहरा कोहरा ही कोहरा, कोहरे ने पूरा जो व्यू है ना उसे बंद कर दिया यानी छिपा दिया है। तो श्रद्धालु आधे से ज़्यादा आ रहे हैं और आधे से ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। तो चलो केदारनाथ से डाउन होके अभी हम पहुंच चुके हैं घोड़ा पड़ाव में, जहां की गौरीकुंड से जो घोड़े में यात्री आते हैं वो घोड़ा पड़ाव तक ही जाते हैं और वहां से आई थिंक 500 मीटर पैदल चलना पड़ता है। तो ये पूरा व्यू घोड़ा पड़ाव का, और घोड़ा पड़ाव चला था। तो दोस्तों आज का गुड मॉर्निंग का जो नाश्ता है वो छानी कैंप में हो रहा है। छानी कैंप? हाँ भाई, छानी पड़ाव, सॉरी घोड़ा पड़ाव यार, छानी कैंप तो नीचे है। कैसा लग रहा है भूख में? परौंठा टेस्टी टेस्टी, अचार और परौंठा। और अभी हमें तो मिला नहीं, हम तो बैठे हुए हैं पानी इंतजार में। हमारी बारी कुछ देर में आएगी, यानी अभी परौंठा पक रहा है, तो जैसे ही पकेगा वैसे हमारे पास आएगा। तो यात्रा जो चल रही है, लाइन देख सकते हैं यार काफ़ी बड़ी तादाद में, और यहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे। तो आधा से ज़्यादा लोग यानी यात्री आधा डाउन हो रहे हैं, आधा चढ़ाई चढ़ रहे हैं, कोई घोड़े खच्चरों में आ रहे हैं तो कोई पैदल चल रहे हैं। भाई आ जा, आ जा।
तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है, फ़ोन वगैरह तो डेड पड़ा हुआ है, थोड़ा गोप्रो से ही सूट चल रहा है, और यहाँ पर ग्लेशियर में काफ़ी क्या खेल रहे घसीटा पार्टी खेलना है। चलो चलो फिर आराम आराम से चलो 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 तो यहाँ पे एक यात्री गिर गया है घोड़े के साथ हो रहा है। खच्चर फंस गया क्या? पत्नी पैसा दोस्त मां केदारनाथ धाम के मार्ग में। दोस्तों अभी का जो वक्त है वो 4 बज चुका है और केदारनाथ से हम डाउन हो चुके थे और डाउन आई थिंक हम 12-1 बजे के आसपास, तब ना मेरा गोप्रो फोन सब डेड पड़ा हुआ था, चार्ज नहीं था और जो पावर बैंक था ना वो भी खराब पड़ गया है और रास्ते में काफ़ी सारी समस्याएं हो रही है यार। जब पैदल चले थे ना तब भी बहुत भयंकर गौरीकुंड में जाम लगा, फिर सोनप्रयाग में जाम लगा और अभी मार्ग में जहां तहां गाड़ियों की लाइन कतारें देख सकते हैं, पूरा मतलब इतने ज़्यादा श्रद्धालु कल से यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं आ रहे हैं। देखते हैं मतलब 6 महीने तक कितने लोग, बाद में हम अखबार में ज़रूर देख लेंगे कि कितने श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुँचे थे। सो दोस्तों अभी का जो वक्त है वो 10 बज चुका है और हम पहुँच चुके हैं नंदनगर घाट यानी जो हमारा मेन मार्केट है। तो जो हमारे साथ संतोष था ना उसका ससुराल भी है, उन्हीं के घर में आज रुके क्योंकि यहाँ से हमारा घर 19 किलोमीटर दूर है और जो हमारा ड्राइवर था वो बंगाली गांव से था मित्र, तो उसे घर भी जाना था तो देर हो जाती, फिर अकेले वो नीचे भी नहीं आ पाता क्योंकि डर भी होता है ना, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए नाइट स्टे आज हमने यहीं पे किया। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको और थोड़ा बहुत बीच में जो हमारा गोप्रो वगैरह फ़ोन वगैरह डेड पड़ जाता है ना तो उसके लिए सॉरी, और देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।